काफी तेज धूप भी है, इन्हें से चालू हो जाएगा। हाँ, सब चालू। प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 से, ये तो कंप्लीट है, अब इसमें करना क्या है? प्लेटफॉर्म 3, 4, 5 की क्या प्रक्रिया है वो मैं आप लोगों से शेयर करना है। और इस वक्त देख पा रहे हैं आप लोग, रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सन्नाटा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्काई सिनेमैटिक ब्लॉग। दोस्तों आज हम आप लोगों को लेके आए हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे, यहाँ का आज पूरा विवरण हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं और क्या प्रक्रिया चल रही है 3 और 4 प्लेटफार्म की वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट हम आपको रेलवे स्टेशन का जो भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारा कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। फ्रेंड ये देख पा रहे हैं आप लोग, पटरियां बिल्कुल कंप्लीट बिछ चुकी हैं 3 और 4 की। सो देख पा रहे हैं आप लोग, ये पटरियां देख ही रहे हैं आप लोग, पूरी बिछ चुकी है। और आइए दिखाते हैं आगे, पटरियों का काम चल भी रहा है। फिटिंग का काम चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो कब तक स्टार्ट हो जाएगा ये? अगले महीने से चालू हो जाएगा। और ट्रेन जो आ नहीं रही है आजमगढ़, 28 से चालू होंगी ना? अच्छा अच्छा, मारेगी, पैकिंग मारने के बाद कंप्लीट होगा। कितना टाइम लगेगा इसको पूरी पटरियां पैक होने में? 27 तक चलेगा ये सब काम। अच्छा 27 तारीख तक ये सब काम चलेगा। अच्छा अच्छा, ये पैकिंग का काम चल रहा है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग फ्रेंड लोग। एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, बोरवा बाबा का मंदिर, वो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था आप लोगों को दिखाऊं, तो आज दिखाता हूं मैं आप लोगों को। बोरवा बाबा का मंदिर रेलवे स्टेशन पे है काफ़ी टाइम से। चलते चलते आप लोगों को दिखा रहा हूं पटरियां जो बिछी हुई हैं, जो जिसका काम चल रहा है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। काफ़ी तेज़ धूप होने की वजह से गला वाला सूख गया है बिल्कुल, और बहुत प्यास भी बहुत तेज लग रही है फ्रेंड। सो आप लोग देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी। आइए दिखाते हैं आगे का व्यू। ये हमारे शहर आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन है, जिसको आने वाले समय में कर्मचारी ने ही बताया है कि आने वाले समय में इसको जंक्शन बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बेहतरीन बनाने का ही प्रक्रिया चल रही है। सो आप लोग देख पा रहे हैं, ये वॉशिंग का काम होता है, जैसे धुलाई का, ट्रेन को धुला जाता है यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप लोग को दिखा देता हूँ पूरी तरह से। ये इस पर भी देखिए इलेक्ट्रिक वायर वायर का काम हो चुका है, ये 5 नंबर शायद हो प्लेटफॉर्म होगा। और ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये ट्रेन यहाँ पे वॉश होती है, धुली जाती है यहाँ पे। दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग,
ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो काफ़ी दूरी की रेंज में आजमगढ़ का भी रेलवे स्टेशन है। इसको पूरा कवर करने में भी टाइम लगेगा पैदल चल चल के। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन लोग देखने आएंगे। इतना बेहतरीन बन के ये तैयार होने वाला है रेलवे स्टेशन। सो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड। ये तो कंप्लीट है, अब इसमें करना क्या है? हाँ, तो ट्रेन चल रही है, कंप्लीट है। अच्छा, ट्रेन नहीं चलती, नहीं कंप्लीट था। जैसे ये दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर वाला, वो भी कंप्लीट। अच्छा, वो भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ऊपर से इलेक्ट्रिक वाला काम पूरा कंप्लीट है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं रेलवे स्टेशन परिसर में भटक रहा हूँ पैदल, और काफ़ी लोग सवाल भी करते हैं कि क्यों घूम रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वजह है। तो बार बार बताना पड़ता है कि सर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनानी थी, ताकि हमारी जो व्यूवर्स हैं हमारे, वो देख पाएँ, वो जानकारी उनको मिल पाए कि क्या हो रहा है हमारे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे, क्या चल रहा है, काम कहाँ तक पहुँचा है, कब सारा काम कम्प्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ये सब कुछ बताना पड़ता है अपने व्यूवर्स को। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा, आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे ग्रो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ रोमांचक वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।